लीजिए मुझे क्रम आगे बढ़ाना है और सबसे मैंने आग्रह भी कर दिया है अब आज हम सब ए, उसका पालन भी करेंगे एक एक अपनी रचना हम प्रस्तुत करेंगे फिर संतोष जी को हम सुनेंगे उन्होंने कहा था कि मुझे समय से मुक्त करवा देना तो हम उन्हें समय से मुक्त करवा देंगे मैं क्रम आगे बढ़ाता हूँ और कहाँ से शुरुआत करूं ये तो इतनी बढ़िया वंदना हमारी मुमताज़ ने पढ़ दी है और जिनकी इतनी तारीफ हो रही थी तो मेरा मन है कि हिंदी वर्ण भी आज ही शुरू होता है तो अल्पना से ही शुरू करें हम अल्पना के पास शब्द भी हैं अल्पना भी है उसे संजोने वाली कल्पना भी है भाव भी हैं उन्हें प्रस्तुत करने की कला भी है और उनके पास डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का आशीर्वाद भी है क्योंकि उनकी शिष्या रही हैं और गुरुजी के अंडर में ही उन्होंने पीएचडी भी की है तो यह निश्चित रूप से हम सबके लिए खुशी की बात है मैं एक छोटी सी कविता उन्हें सौंपता हूं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के अंडर में मैंने भी पीएचडी की और अशोक चक्रधर जी के लिटरेचर पर की तो इधर भी वो बैठी हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब के अंडर में पीएचडी की मैं भी बैठा हूं तो मैं उनकी चार पंक्तियां सुनाता हूं कि जिनके ऊपर मैंने कार्य किया अतुल भैया देखिए क्या अद्भुत पंक्तियां हैं अशोक चक्रधर जी की उन्होंने लिखा कि यदि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके, तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? <laughs> अगली दो पंक्तियों पर आपकी तालियां उठें, क्योंकि विचार व्यंग की कवियत्री को बुलाता हूं कि यदि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? यदि रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा विचार की तरफ व्यंग की तरफ आपको ले चलने के लिए आमंत्रित हैं अल्पना सुहासिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी जब बुलाते हैं तो अलग आनंद आता है पढ़ने का बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद इतना समृद्ध मंच है प्रणाम करती हूँ मेरा सौभाग्य है और मैंने जैसे पहले भी बताया कि सभी मेरे गुरु हैं मैं इन सभी से सीखती हूँ तो इस समृद्ध मंच के हवाले एक गज़ल के शार करती हूँ देखिएगा मतला कुछ यूँ हुआ है जब भी होता है जहाँ होता है जब भी होता है जहां होता है इश्क इबादत का बया होता है वाह wow, 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 जब wow. भी होता है जहां होता है इश्क इबादत का बया होता है और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि इश्क में शर्त नहीं होती है इश्क में शर्त नहीं होती है इश्क शर्तों पे कहा होता है बहुत <प्रीण> शुक्रिया बहुत शुक्रिया इश्क में शर्त नहीं होती है जी जी। कि जब भी होता है जहां होता है इश्क इबादत का बया होता है इश्क में शर्त नहीं होती है इश्क शर्तों पे कहा होता है और बहता नस नस में लहू के जैसा बहता नस नस में लहू के जैसा रूह तक में भी रवा होता है wow. बहता wow. नस wow. नस में लहू wow. के जैसा wow. रूह तक, था था। था। तक में भी रवा होता है और जो हम कहते हैं ना कि लफ्जों की जरूरत नहीं रहती तो देखेगा कि है जरूरत ही कहा लफ्जों की है जरूरत ही कहा लफ्जों की इश्क आँखों से आया होता है बहुत भा, शुक्रिया है जरूरत ही कहा लफ्जों की इश्क आंखों से आया होता है और ज़र्रे में नजर आए वही जब इश्क इबादत बन जाता है जब उससे जुड़ जाता है कि ज़र्रे जर्रे में नजर आए वही ज़र्रे में नजर आए वही हर घड़ी उसका घुमा होता है जर्रे जर्रे में नजर आए वही हर घड़ी उसका घुमा होता है जब भी होता है जहा होता है इश्क इबादत का बयान होता है और बस एक जो है अगर इजाजत हो तो एक मतला और दो मतलब कोशिश करती हूँ कि आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे वाह 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 आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे अपनी तकदीर पढ़ के देखेंगे क्या बात है आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे अपनी तकदीर पढ़ के देखेंगे बहुत शुक्रिया आदरणीय अपनी तकदीर पढ़ के देखेंगे और ध्यान दीजिएगा कि लोग कहते हैं तू नगीना है लोग कहते, लोग कहते हैं लोग कहते हैं तू नगीना है <laughs> नहीं। नहीं� हम अंगूठी में जड़ के देखेंगे बहुत शुक्रिया बाँ, लोग कहते हैं तू नगीना बाँ, है, बाँ, है। बाँ, हम अंगूठी में जड़ के देखेंगे और ठान ले हम तो मुश्किलें क्या हैं सतेंद्र जी जो ये आप कार्यक्रम चला रहे हैं पर्यावरण को बचाने का कि ठान लें हम तो मुश्किलें क्या हैं? ठान लें हम तो मुश्किलें क्या हैं हद की जद से भी बढ़ के देखेंगे ले हम तो मुश्किलें क्या हैं हद की जद से भी बढ़ के देखेंगे और ये मेरे मिजाज का शेर आप सबकी नजर करती हूं कि आसमानों की सैर होती क्या आसमानों की सैर होती क्या आसमानों की सैर होती क्या अपने पंखों से उड़ के देखेंगे wow, आसमानों wow, की wow. सैर होती क्या अपने, अपने पंखों।, पंखों से उड़ के देखेंगे और ये जमी गोल है सुना अक्सर <laughs> ये जमी गोल है सुना अक्सर चांद के रथ पे चढ़ के देखेंगे wow, ये जमी गोल है सुना अक्सर wow, चांद के wow, रथ पे चढ़ के देखेंगे आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे अपनी तकदीर पढ़ के देखेंगे बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत धन्यवाद अल्पना जी के लिए और तालियाँ थोड़ी इसलिए ज़्यादा बजाई है उन्होंने इतनी देर से सबके लिए बजवाई हैं और बहुत संक्षिप्त बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया बहुत बढ़िया गजल सुनाई